तो भाई लोग, आज की वीडियो हमारी जेसीबी के जो टिक्की लगती है इसके ऊपर। भाई इसे इधर इधर से दिखा, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना जेसीबी में इस साइड का जो है ना घस जाता है बहुत सी बार टिक्की निकलने के बाद। तो इसमें क्या करना होगा आपको, टिक्की दोबारा से लगाने के लिए, जैसा कि फिलहाल तो इसमें रुकेगी नहीं क्योंकि घस गया बहुत ज़्यादा, दोबारा लगाने के लिए इसमें आपको एक इस तरह का पीस लेना होगा, इस तरह का। और पीस लेने के बाद उसमें टिक्की के हिसाब से बोर करा लो। इस तरह बढ़िया कराने के बाद खींच भाई से, अपनी तरफ को खींच, इसे खींच खींच, और फिर इसे यहाँ पे वेल्डिंग कर देना है। बस सिंपल सा काम है भाई, बाकी मिस्त्री इसके बहुत पैसे उतार लेता है खुद से, कि कहीं से लेके ना इस तरह के प्लेट कर लेके और कटवाओ, 50 रुपये का लो आओगे, 50 रुपये का इसके करने के लेगा वो, और फिर लगा लेके करवा के आगे इसमें उठा के वेल्डिंग करा दो। वैसे अगर करवाओगे किसी और से तो इसके आपसे पैसे उतार लेगा 200-400 रुपये, 500-700 रुपये उतार लेगा। बाकी अगर हमारे यहाँ कराना है आपको सांवले रोड पर गोरी टेलर्स के नाम से हमारा कारखाना है, यहाँ पर आपको आकर मशीन के पिन बुस वगैरह और मशीन का कुछ भी काम करा सकते हैं। गोरी टेलर सांवला रोड।